नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चावड़ा वर्षा, संत कृपा विद्यालय तरफ से आपनु स्वागत करूँ छू। तो बच्चों, आज हम कक्षा चार में विषय हिंदी में इकई छे टपका का डर देखेंगे। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुटिया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुटिया का घर टपकने लगा। बुटिया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। बरसात का दिन था एटले के चौमासानो दिवसो हता, एटले के वरसाद पड़वानो ज हतो। चारों ओर पानी बरस रहा था। हवे वरसाद पड़तो हो तो चारे तरफ पानी तो वरसे ने, तो चारे बाजू पानी वरसी रही हुतू। जंगल में बुटिया का घर भीग रहा था। हवे एक डोसी में हता, तेमनु घर जंगल में हतू, जे आ वरसाद पड़तो हतो तेना कारणे पलड़ी गयू हतू। जल्दी ही बुटिया का घर टपकने लगा। हवे जेम जेम वरसाद वधतो गयो, तेम डोसीमानु घर टपकवा लाग्यू, एटले के एना घर अंदर पानी पड़वा लाग्यू। बुटिया परेशान उठी, डोसीमा चिंतित थी गया, परंतु करती भी क्या, परंतु बिचारी करे पण शू, छप्पर को कौन छाय, हवे एकला छे तो एनी मदद कोण करे। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। हवे वरसाद पड़ो एना पछी थोड़ा का समय में बरफ पण पड़वा लाग्यो। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फादते वह बुटिया के घर के पास पहुंचा। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, हवे थोड़ा कच टाइम में समय में बरफ पण पड़वा लाग्यो। बेर बराबर ओले, हवे ऊपर थी जो बरफ पड़तो हो तो वागे ने, तो बेर बराबर ओले एटले के पूरा सम्मान ऊपर थी वर्षा बरफ पड़वा लाग्यो। उधर एक बाघ ओलो की मार से परेशान उठा, कारण के बरफ ऊपर थी पड़तो हो तो वाघ ने बरफ ना जे घोड़ा हो ए वागता हता, तेना थी वाघ परेशान थई गयो। कूदते फादते वह बुटिया के घर के पास पहुंचा। हवे डोसीमा पण जंगल में रहता हता अने वाघ पण जंगल में रहतो हतो, तेनाथी वाघने ज्यारे बरफ लागवा लाग्यो त्यारे ते दौड़तो आम थी तेम दौड़वा लाग्यो, अने दौड़ते डोसीमाना घरनी बाजू में आवी गयो। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। हवे जयरे वाघ डोसीमाना घरनी बाजू में आवे छे त्यारे बुटिया अंदर चावल पका रही थी, त्यारे डोसीमा अंदर खावानू बनावी रहा था, एटले के भात बनावी रहा था। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। हवे चूल्हो हतो त्यां पानी टपकी रही थू टप टप, कारण के ज्यां ते जमवानू बनावी रहा था चूल्हा में, त्यां ऊपरथी डोसीमाना घरमांथी पानी वरसी रह्युं हतुं टप टप। वह झुंझला उठ्यो और बोली, ते गुस्सामां आवी अने बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। ते कहे छे के मने टपका थी एटलो डर लागे छे जेटलो बाघ थी पण नथी लागतो। टपका मतलब के जे पाणी टप टप पड़े छे। बाघ ने सोचा,
ગુટિયા મૂસે તો નહીં ડરતી, મગર ટપકાશે ડરતી. હવે વાઘે વિચાર્યું કે આજે ડોશીમાં છે તે મારાથી તો નથી ડરતા, પણ ટપકાથી ડરે છે. જરૂર ટપકા મૂસે ભી બડા જાનવરો કા. વાઘ વિચારે છે કે જો ડોશીમાં ટપકાથી ડરતા હોય અને મારાથી ન ડરતા હોય તો જરૂર મારાથી પણ મોટું જાનવર હશે, એવું વાઘ વિચારે છે. બસ ઇતના સોચતે હી વાઘ ગભરાયા. બસ આટલું વિચારતા જ વાઘ ગભરાઈ જાય છે કે ડોશીમાં ટપકાથી ડરે છે અને મારાથી નથી ડરતા. ઓર શિર પર પેર રક્કર ભાગ્યા અને જલ્દી જલ્દીમાં ભાગી ગયો. ધન્યવાદ.